there were currency notes that were found lying unclaimed on a road in Indore today. That has emerged as one of the prime COVID hotspots in the country. This happened this afternoon where local residents suddenly spotted 20, 50, 100, 200 and 500 rupee notes that were just lying there on the road. No one was claiming ownership for them. The police then came in, sanitized all of them first and then have seized that money for further investigation. पुलिस बल को यह सूचना मिली थी कि खातीपुरा धर्मशाला के सामने मुख्य मार्ग पर कुछ नोट पड़े हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जब उक्त नोटों को वहां देखने पर उनका कोई स्वामित्व तो नहीं प्रकट हुआ तब उन्हें सैनिटाइज करके जब्त किया गया है। उक्त नोट किसी के गिर गए हैं या किसी ने फेंके हैं इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रकरण इस संबंध में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा वो संरूप प्रकरण का निराकरण किया।